है? अच्छा बताइए, जब आपको थूक आता है, थूक खकार आ जाती है, खकार, तो आप उसे बराबर क्यों निकाल देते, इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया? आई बस में वैसे बस में बैठे बैठे भी तो आ जाती है कभी कभी, तो फिर आप उसको बाहर मुंह निकाल के क्यों थूकते हैं? हाथ में ले लो, जेब में रख लो, घर पे जाके निकाल लेना। अच्छा एक बात बताओ, अचंभे की क्या बात है? है? अरे बाबा, मैं तो आपको कहना चाहता हूं, खकार अगर जेब में है, अगर खकार जेब में है तो हम स्वच्छ है, क्योंकि वो जहां से आई है वो कहां पे थी पहले? पहले कहां थी खकार? कफ कहां था पहले? कफ गले में। तो ये अच्छी जगह कि जेब अच्छी जगह? फाड़ में गई जेब। अबे जिस जेब में तंबाकू पड़ा रहता है उसमें थूक भी पड़ा रहा तो क्या फर्क पड़ता है? तंबाकू कहां से आया है? बाहर से। और ये थूक कहां से आया है? ये अपना प्रोडक्शन है, ये अपना माल है, इसकी ज्यादा रखवाली करो, बाहर वाले की रखवाली। दो तीन बाबा बीड़ी को बचाए घूम रहे हैं बरसात से जेब में, रूमाल लगा लिया ऊपर से, बंडल के ऊपर से रूमाल, गीली ना हो जाए बीड़ी, है? गीली मत कर ले प्यारे, जला ले। इसीलिए तो सुख चला गया तुम्हारा। डेढ़ घंटे पहले भजन में बताया, परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। कैसे सुखी होंगे भैया? बीड़ी पी के दूसरों का दिमाग खराब कर रहे, तुम कैसे सुखी हो जाएंगे? तुम्हें तो मजा आ रहा, बीड़ी से गैस निकल गई पेट की, पर दूसरे को तो सजा मिल रही है, बेचारे रूमाल लगा के घूम रहा है। तुमने तो थूक दिया गुटका, पर उस गुटके पे मक्खी बैठ करके दूसरे की खीर में जाके बैठ गई, वो खीर खा के बीमार पड़ेगा, और ये गुटका खा के कैंसर से नहीं मर रहा, और खीर वाले को कैंसर हो गया। तंबाकू वालों को बड़ा मौका मिल जाता है, बोलते देखो हम तंबाकू खाते हमें हुआ क्या कैंसर, ये कभी नहीं खाता, मर गया साला कैंसर से। अबे हाले तुमने ही मरवाया उसको, तुमने थूक के फेंक दिया, मक्खी ने जाके उसे बर्बाद कर दिया, तुम्हारे जंतु सब बाहर फेंक दिए, तुमने मक्खी लेके उसके पेट में घुस गई घी के साथ। इसीलिए भैया अच्छे भले लोगों को कैंसर हो रहा है, बीमारी हो रही है, बंद करो खाना पीना, स्वस्थ अच्छा रखो, आहार शुद्धम सत्य शुद्धम सत्य शुद्ध ध्रुव स्मृति, आहार अच्छा हो जाए फिर बुद्धि के कमाल देखो, नाचती है खेलती है, पूरे पूरे ब्रह्मांड को इकट्ठा कर लेती है। आहार अच्छा नहीं, भोजन अच्छा नहीं, फिर नहीं बुद्धि काम करती। पढ़ते रहो किताब, पढ़ते रहो, याद ही नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने इतनी बार कथा इतनी बार सुन लिया, पर तुम्हें कुछ याद हो रहा है? हाँ महाराज हमें याद हो गया। क्या? नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का, और तुमने तो पूरी कथा याद कर ली, ये तो याद हो गया सबको, ये तो याद हो गया, ये तो हो गया सबको, पूरा हो गया ये तो नमस्कार है। अच्छी बात करो भाई, तीसरे नंबर पे चलते, अभी नंबर हुए है, पांच नंबर है मेरे पास आज कथा में, तीसरे को इशारे में ही समझ लो, तीसरा है गुरु अच्छा होना, और तुम्हारा गुरु तो एकदम चकाचके, अखाड़े में आ जाओ, दौड़ने में आ जाओ, चढ़ने में आ जाओ, उतरने में आ जाओ, बोलने में आ जाओ, सिंहासन पे आ जाओ, नीचे जहां चाहो वहां आ जाओ, पटक लूंगा सबको, ये भी काम फिट हो गया, तीन तो हो गए, अब दो और बचे हैं आपके। दो और बचे हैं, कौन कौन सी चीज बची है? दो, संगति और माहौल।
संगति और माहौल अच्छा होना चाहिए। अब माहौल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ? माहौल बनाने के लिए जब हम नया घर बनवाते हैं तो उसमें वास्तु क्यों करते हैं? बोलिए, आप नया घर बनवाते हैं तो वास्तु क्यों करते हैं? आप घर में पहली बार जब आपने गड्ढा खोदा, जब आपने नीम लगाई बेसमेंट में, जब आपने किया, तब आपने पूजा क्यों की धरती माता के? क्यों? इसको माहौल कहते हैं। आप मॉक्सपियर बना रहे, माहौल बना रहे, आप मौसम बना रहे, आप सिस्टम बना रहे सुखी रहने का। तद यज्ञम लक्षणम भूतः। वास्तु शांति का मतलब कुछ नहीं है, वास्तु शांति मतलब है यज्ञ कर रहे हैं आप। यज्ञ करने के बाद घर में जाएंगे तो सुख मिलेगा। क्यों? यज्ञ करने से देवता और विष्णु ब्रह्मा सब घर में आ जाएंगे। जब भगवान घर में आएंगे तो हमें संकट आने का खतरा खत्म हो जाएगा। इसलिए हम गृह प्रवेश वास्तु करते हैं महाराज। एक दिन यज्ञ करने से जब देवता आने की हमें पूरी अंदर से पूरा विश्वास हो जाता है, अब शांति हो गई घर की। शांति कैसे शांति होगी? यज्ञ से। अरे बाबलो, एक दिन यज्ञ करने से जब शांति हो जाती है तो रोज शांति 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 शांति, कभी ना हो अशांति। तो रोज यज्ञ करो ना। पंडित जी को बुलाकर 1100 रुपए देकर खाम खाम परेशान हो रहे हो। 1100 रुपए में 2 किलो घी आ जाएगा गाय का, और 2 किलो घी में 3 महीने यज्ञ चलेगा। फिर 1100 रुपए का लेके आओ, फिर हो गए 6 महीने, फिर 1100 का लाओ, हो गए पूरे 9, फिर 1100 का ले आओ, हो गए कुल मिलाकर, आप समझ गए, 4400 रुपए में साल भर यज्ञ चलेगा। कोई खतरा कभी आने वाला नहीं है। हाँ, हो गया खतरा 4400 रुपए में। इतने बढ़िया बीमा पॉलिसी जगत में कहीं है? 4400 रुपए आप ICICI बैंक में भर दो, बीमा में भर दो, बीमा लगा दो आप, कुछ नहीं, 20 साल के बाद कोई सुनेगा आपको, 10-20 लाख रुपए मिलेंगे। और मैं ज्यादा नहीं कहता, आप ऐसे लगातार 5000 रुपए की पॉलिसी यज्ञ में खर्च करते जाओ तो फिर मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ आपके हजारों करोड़ों जन्म धनवान के जाएंगे, पूंजीपति बनेंगे आप। इससे बड़ा माहौल ही नहीं है जगत में। माहौल हमें मिलता नहीं है, माहौल बनाना पड़ता है। अच्छा बताओ, आंखों के ऊपर बाल बनाने पड़ते हैं कि खुद से चले जाते हैं? ये तो महिलाओं को पूछना चाहिए, इधर गलत पूछ लिया। हैं? भाई देखो, आते तो मैंने देखा दाढ़ी से, पर जाते कभी देखा नहीं, बालों को निकालना ही पड़ता है मुझे। माहौल तो बनाना पड़ता है। 4-5 दिन में ना बनाऊं तो फिर बाल आ जाते, माहौल बिगड़ने लगता है, फिर माहौल बना लेता हूं। तो माहौल को तैयार किया जाता है। अच्छा बताओ, 2 बजे माहौल क्या था यहां, अभी 5 बजे क्या माहौल है? 3 घंटे में माहौल तैयार हो गया, पर कम से कम 73 बार पसीना पहुंचना पड़ा है। ऐसे थोड़ी माहौल बनता है। परमात्मा की व्यवस्था ही ऐसी है, जब हम पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, तो खुद ब खुद माहौल तैयार हो जाता है। सुनिए, हाथ के ऊपर फूल काटना हो तो अलग बात है, हाथ के ऊपर गणेश काटना हो अलग बात है, हाथ के ऊपर आई लव यू लिखना हो अलग बात है, पर आपको हाथ को लाल करना है मेहंदी से तो रचने की जरूरत नहीं है, लगाने की जरूरत नहीं है। आप केवल मेहंदी को पीसते रहो, पीसते रहो, पीसते रहो, और उंगलियां तो तब भी लाल हो जाती है जब हम दूसरे के हाथ पे लगाना शुरू कर दें। दूसरों का भला करने वाला व्यक्ति अपने आप में खुद ही भला हो जाता है। आप मेहंदी दूसरों को लगाइए, आपके हाथ में रंग आ जाएगा। लगाओ लगाओ मेहंदी लगाओ, चलिए मत लगाओ, लाल मिर्ची लगाओ दूसरे को, तब भी तुम्हें लगेगी मिर्ची। भाई तुमने दूसरे को लगाई है, तकलीफ दूसरे को देना चाहते हैं, पर तुम भी तकलीफ से बच नहीं सकते, वो मिर्ची असर इधर भी दिखाएगी, क्योंकि वो तो चमड़ी से परेशानी है और चमड़ी तुम में भी है। बस ये बात है, इसीलिए माहौल अच्छा करना चाहिए। कैसे होता माहौल अच्छा, कैसे होता है? ब्रह्म यज्ञ करें, थोड़ा ध्यान करें, फिर देव यज्ञ करें, थोड़ा अग्नि जलाएं, आरती वारती करें, और फिर थोड़ा सा पूजा पाठ हो गया, उसके बाद फिर क्या करें, प्रसाद दान करें, थोड़ा दान करें, गाय को रोटी खिला दें, कुत्ते को खिला दें, ब्राह्मण को खिला दें, साधु को खिला दें, किसी गरीब, ये बस हो गया काम, माहौल तैयार हो गया। जब इस प्रकार का माहौल घर में बन जाता है तो बिना पत्र का बांटे गाय घर पर रोज आ जाती है, बुलानी नहीं पड़ती।
जो गाय को रोज रोटी देते हैं उनके घर पे गाय आती है आती है आती है, माहौल बन गया, लोग गाय का दर्शन करने ढूंढ रहे हैं। एकादशी को गाय मिलनी चाहिए, गुरुवार को गाय मिलनी चाहिए, गुरुवार को हम तो रोटी खिलाएंगे। अरे तुम रोज खिलाओ, गाय अपने आप आएगी। सुबह सुबह आती है, समय घड़ी लगा के, रेल लेट हो जाती है, हवाई जहाज लेट हो जाता है, तुम लेट हो जाएंगे, पर गाय लेट होने वाली नहीं है। माहौल बनाइए, माहौल बनाओ, रोटी निकाल कर दरवाजे पे रख दो, माहौल तैयार करो, घर के सामने कुंडा बना के पानी भर दो, पक्षी बुलाने नहीं पड़ते, खुद ब खुद आ जाते हैं। है? हमने कार्ड भेजा है तुमको, तुम्हारे घर पे पत्र आया है कि लड्डू गोपाल आ जा तू इंद्रदेव महाराज के आश्रम में। नहीं, माहौल बना लीजिए, सब आ जाएंगे। ऐसे ही अपनी लाइफ का, अपनी जिंदगी का, अपने परिवार का, अपनी संस्कृति का, अपने आप का माहौल तैयार कर लो, सारी दुनिया तुम्हारे पास आ जाएगी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तदम तीर्थम तदगतम पुण्यः, सबरी के घर राम कैसे आ गए, तुम्हारे घर क्यों नहीं आ रहे, बुला बुला के थक गए। भाई राम क्यों नहीं आ रहे तुम्हारे घर है? अरे गुरुजी आप राम की बात कर रहे हैं, 10 साल से तुम्हारी बहन भी नहीं आ रही है। हमने कहा क्यों, बाकी आप समझ लो, 10 साल से बहन क्यों नहीं आ रही, राम कहां से आएंगे, बहन रूठ गई, आई पवित्र रिश्ता रूठ गया तो अब कैसे रिश्ता तैयार होगा, माहौल अब यहां कोई आने वाला नहीं है। नहीं, बुलाइए, हम तो आपको माहौल दे रहे भाई, हमारे पास में टिप्स है, हमारे पास संदेश है, सूचना है, सूत्र है, प्रयोग आपको ही करना पड़ेगा, प्रयोग करने का ज्ञान भी विस्तार से है हमारे पास, वो हम सबको बता देंगे, यहां ले लो वहां ले लो, अकेले बैठ के ले लो, कितना भी ले लो, जितना चाहे उतना ले लो, पर ले लो, ज्ञान तो चाहिए, क्योंकि हम केवल गुरु ज्ञान के लिए बनाते, इसीलिए मैं दे रहा हूं आपको, आज मौका है, इसीलिए दीक्षा का 8वां नियम क्या है, दीक्षा का 8वां नियम है कि साल में एक बार गुरु पुण्यों पे गुरु दर्शन के लिए जरूर आना चाहिए, कभी आओ मत आओ फर्क नहीं है, पर गुरु पुण्यों पे आकर अपने पुरुषार्थ को समझ के चले जाओ कि हमने क्या किया है। आज आप जो प्रवचन सुन रहे हैं ना, इस प्रवचन से आपने पीछे का पूरा बैकग्राउंड देख लिया बैठे बैठे यहां कि हमने क्या क्या पापड़ बेले, महाराज सही बोल रहा है, भविष्य पंडित जी बता सकता है पर पीछे का कौन बताएगा, और तीनों कालों का केवल गुरु बता सकता है, जो भूत का भी जानता है, वर्तमान और भविष्य भी जानता है। महाराज पंडित जी से क्या पूछेंगे, पंडित जी आपको दे देगा संदेश, पंडित जी संदेश दे देगा आपको कि आपका ऐसा होने वाला, आगे चल के ये कर लो वो कर लो ऐसा हो जाएगा, पर भैया 6 महीने पीछे की बात बता दे, जो पीछे कर लिए उससे कैसे पीछा छूटेगा, पीछे जो करके आए उससे पीछा कैसे छूटेगा। पंडित जी कहता है भैया ये कर ले वो कर ले छूट जाए तो छूट जाए, पर नहीं, शास्त्र क्या कहता है वो सुनो, इंद्रदेव महाराज से, अवश्यम देव भोक्तव्यम कर्ता कर्म शुभा शुभम, अच्छा कर ले या बुरा कर ले तेरा पीछा छूटने वाला, चाहे तू कितने भी कर ले शांति, चाहे जितने भी कर ले पूजा, काशी में जाके पिंडदान कर ले, चाहे गया में चले जा, पर बेटा तूने जो पापड़ बेले तुझे ही खाने पड़ेंगे, क्यों, ये पापड़ मूंग और अरहर और मूंग के नहीं है भाई, ये तुअर के नहीं है भाई, ये उड़द के नहीं है, जो चाचा खा ले और भुआ खा ले, क्या है ये, तेरी जो है कुछ पीछे की करनी, तेरी जो कुछ पीछे की करनी, तुझको ही है प्यारे भरनी, कोई नहीं आएगा, घर में एक आदमी को कैंसर होता बाकी सब मस्त रहते, सबको क्यों नहीं हुआ,
सबको क्यों नहीं हुआ? एक कोई क्यों हुआ? सबको क्यों नहीं हुआ बताओ? दादाजी 80 साल के बैठे हैं, 16 साल का बेटा क्यों मर गया? 16 साल का मरने के लिए नहीं है, 80 साल वाला मरने के लिए है, पर नहीं मरा। क्यों? तेरी जो कुछ पिछली है करनी, तुझको ही है लाला भरनी, कोई नहीं आएगा। ज्यादा वफादार होंगे नाते भाई, ज्यादा वफादार होंगे जीजा साले तो टाटा हॉस्पिटल में ले जाके डाल देंगे, और ज्यादा वफादारी होगी तो 5-6 लाख रुपए भी डाल देंगे। अरे उस नली को कौन घुसवाएगा नाक में? नली को। इसीलिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तमाकू छोड़ो नहीं तो नली टलने का नंबर आ सकता है। जल्दी से तमाकू छोड़ो, तमाकू छोड़ो नहीं तो यहाँ पे कैंसर आ जावे। डरा रहे के महाराज? हाँ डरा रहा हूँ। क्यों? तुलसीदास ने लिखा रामायण में, यो भय बिन प्रीत न होय, बिना डर के प्रेम होता नहीं। अच्छा बताओ, मम्मी के पास में बच्चा एकदम झपट मार के कैसे आता है? जब बच्चा जोर से डर जाए तब मम्मी के पास जोर से आता है। भगवान के पास में जोर से जाने के लिए डर होना चाहिए, दुख का डर, मरने का डर, गरीबी का डर, इसका डर, उसका डर, फिर आदमी अपने आप जुड़ जाता है। जितने भी तुम कुंडों में पूजा करते हो ना, काशी में, हरिद्वार में, यहाँ वहाँ पंडित जी, वो सब डर के मारे हो रही है, खुशी के मारे नहीं हो रही है। तो पूजा डर के मारे हो रही है, कहीं मुरे मुराए दादाजी ना गुस्सा हो जाए, कहीं बेटे के ऊपर प्रकोप ना कर दे दादाजी, दादाजी मर गया। पंडित जी ने बता दिया कि तेरी बड़ी दादी का प्रकोप है, तेरी बड़ी दादी सता रही है, है? जिसने जिंदगी भर गोद में खिलाई, नाक पहुंची, वो मरने के बाद क्यों सताएगी? जय हो, तूने बढ़िया आरोप लगा दिया मरी मराई पर। है? हमने आरोप जिंदों पे लगते देखे, पर पंडित जी मरो पे भी आरोप लगाते। पितृदोष, 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 अरे रे पितृदोष, 60 साल पहले मर गए, वो कैसे अब दोष हो गए? जिंदे पे लगाओ दोष आरोप जो लगाना है, दलाली जिंदा करेगा, लठ जिंदा मारेगा, चाकू जिंदा मारेगा, जो करेगा जिंदा, टेंशन भी जिंदा ही दे सकता, मरा हुआ टेंशन भी देता नहीं है। पर ऐसे दोष, ऐसे आरोप इसलिए बढ़िया हैं क्योंकि ये आरोप कभी सिद्ध नहीं हो सकते, इसीलिए कर शांति, कर शांति, कर शांति। जिंदगी के आरोप तो सिद्ध हो जाते, पकड़ में आ जाते, ज्यादा ना तो डीएनए टेस्ट से पकड़ में आ जाएगा, पर पितृ शांति तो डीएनए से भी पकड़ में आती नहीं, क्योंकि है ही नहीं तो आएगी कहां से? ये क्या है? ये है माहौल। क्या है ये माहौल? बोलो तो सही बाबा। इसीलिए अपने मरे मराए दादाजी को जब हम चिता में ले जाते हैं तो वहां पानी देते हैं। क्या देते हैं? पानी। और पानी पिलाने वाला कभी गाली देता नहीं। आप ही बताओ, आप किसी प्यासे को पानी पिलाएंगे वो गाली देगा आपको? चिता में लिटा दिया, लकड़ी लगा दी, कंधे पे रख के मटका परिक्रमा लगा रहे हैं, और 3 परिक्रमा हो गई, पानी पिला दिया दादाजी को। जिनको पानी पिला दिया वो तो छाया देते हैं भाई, पेड़ को पानी पिला दो वो छाया देता, फल देता, फूल देता, और दादाजी शांति दोष देंगे, तुम परेशान करेंगे? नहीं, कभी नहीं करेंगे परेशान। ये क्या है? माहौल। इसकी वजह से तुम्हारे घर में शांति नहीं है, सुख नहीं है, क्योंकि माहौल बिगड़ गया है, बड़े मराए दादाजी पे दोष लगा रहे। गुरुजी, आज तो हम अपनी आंखों की सौगंध खा रहे, अब हम कभी नहीं फंसेंगे पाखंड में। फंसेंगे तो सही, कोई आज नया थोड़ी बता रहा, मैं तो रोज ही बताता ये बात, पर आज तक कोई माना? शांति, शांति तो करनी पड़ती है, गुरुजी के आगे से नहीं करते तो पीठ के पीछे से कर लेते, पर करते जरूर है शांति, बताते नहीं, शांति को चुप रखते, कार में बैठ के चुप करके आ जाते शांति।
करके आओ, रिजल्ट दिखाओ गुरु जी को। मैं तो कहता हूँ तुम इस बहाने दान पुण्य कुछ तो कर ही रहे हो, पर मुझे रिजल्ट बताओ कि शांति करके शांति हो गई कि नहीं। सुनिए, कपड़े पहनकर शरीर ढक जाता है, हाँकना, पानी पी के गला, हाँ रोटी खा के पेट भर जाता है, ऐसे ही शांति करके उसके रिजल्ट शाम को आने चाहिए। अच्छा बताइए, कपड़ा पहन के रिजल्ट तत्काल आता है कि 3 महीने के बाद आता है? तत्काल। हाँ, यहाँ पे ये पहन लो तो रिजल्ट आ गया, चमड़ी ढक गई, देख लो, हाथ अंदर कर लो, रिजल्ट आ गया। अब देखो दिख रहा है क्या, आ गया रिजल्ट। जैसे हाथ अंदर करके कपड़े का रिजल्ट आ गया, वैसे शांति का रिजल्ट आज ही आना चाहिए। तो शांति रोज करो, मैं भी करूंगा, पर रिजल्ट शांति का कभी आता नहीं है। शांति का रिजल्ट कैसे आ जाएगा? शांति हो रही है त्र्यंबकेश्वर में और अशांति है घर में, वहां से यहाँ शांति कैसे आएगी? आ जाएगी क्या? हाँ गुरु जी आ जाएगी, नगर पालिका का पानी भी तो आ जाता घर में। अच्छा पानी आता है तो बताओ कैसे आता है, ये तो बताओ। पानी को घर तक लाने के लिए कोई ना कोई सिस्टम का प्रयोग करना पड़ता है। हाँ, सिस्टम तो आप समझ गए, बड़ी पाइपलाइन, छोटी लाइन, छोटी लाइन, छोटी लाइन, और अपने घर के पर्सनल छोटी लाइन, तब आ गया। ऐसे त्र्यंबकेश्वर से शांति की पाइपलाइन आ जाए घर तक, तब तो आ जाएगी। हाँ, एक भजन तो सुन लो, शांति अपने आप आ जाएगी यार। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। भाई देखो, प्रकृति का तो फर्क पड़ता है, माहौल, त्र्यंबकेश्वर का माहौल, प्रकृति, ऑक्सीजन ज्यादा है वहां पे, ऋषिकेश ऑक्सीजन ज्यादा है, केदारनाथ ऑक्सीजन ज्यादा है, पर वहां भगवान ज्यादा है, ये गलत बात है, भगवान ज्यादा थोड़ी होता है। अच्छा बताओ, तुम्हारे पूरे 6 फुट के शरीर में शरीर ज्यादा कहां पे, ये बताओ। अरे बोला बोला भाई, तुम्हारी बॉडी को लेट के मैं पैर की उंगली पकड़ूंगा, फिर छाती पकड़ूंगा, फिर पेट पकड़ूंगा, आप ये बताओ कि ये मेरा शरीर है, ज्यादा कहां पे ये तो बताओ। जैसे पूरा शरीर एक ही शरीर होता है, ऐसे परमात्मा पूरा एक ही है, वो अलग अलग होता नहीं, ज्यादा होता कम ज्यादा नहीं होता भगवान, मोस्पियर, माहौल का फर्क है, प्रकृति का फर्क है, ऑक्सीजन बस, प्रदूषण बस, इतना फर्क है। वहां जाकर ऑक्सीजन ज्यादा है, इसलिए ध्यान अच्छा रहता है, स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, श्वास अच्छी जाती है, प्राणवायु अधिक मात्रा में जाती है तो स्वास्थ्य अच्छा होता है, इसीलिए उसको हम लोग देवताओं का घर बोलते हैं। यहाँ ट्रक चलते हैं, ज्यादा श्वास लेंगे तो जल्दी बीमार पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है ट्रकों की वजह से। अरे वहां ऋषिकेश के आगे ट्रक है ही नहीं, तो कहां से धुआं आएगा? इसीलिए जल्दी से ध्यान भजन और लग जाता है, साधु संत इसीलिए उसको महान बताते हैं हिमालय को, क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, ऑक्सीजन वाले वृक्ष वहाँ जीवित रहते हैं, क्योंकि वहाँ पानी पानी है और वहाँ ठंडा पानी है, ठंडे पानी की वजह से पेड़ पौधे ज्यादा जिंदा रहते हैं, तो मजा ही मजा है। स्वर्गाधिपति ही, माहौल तैयार हो गया, अब क्या तैयार होना चाहिए? संगति, संगति तैयार होनी चाहिए। मेरे कम से कम 10% चेला बिगड़ चुके हैं, दीक्षा ले ली, माला ले ली, प्यार भी बहुत है, दक्षिणा भी चढ़ाते हैं, पर फिर वो बिगड़ गए हैं। मैं पूछता हूँ क्यों बिगड़ गए हैं, तो कहा गुरुजी धंधा ही ऐसा है, गुरुजी काम ही ऐसा है। हमने कहा ऐसा कैसा काम है, है? क्यों खाता है भाई तू, पीता क्यों है, क्या हो गया तुझे, तो काम ऐसा गुरु जी, ये माहौल ऐसा है गुरु जी, देखो आप माहौल को बदनाम कर रहा है। माहौल की वजह से गुरु बनाने वाला, दीक्षा लेने वाला सब नियम तोड़ दिए माहौल की वजह से, क्योंकि जितने बिल्डर थे, जितने प्रॉपर्टी के दोस्त थे, जितने भी साथी थे, उसमें से सब खाने पीने वाले थे, तो ये साधु कहाँ काम करेगा, उस माहौल में फंस के ये बर्बाद हो गया। कैसे? जैसे कौरवों के चक्रव्यूह में अभिमन्यु मर गया था, ऐसे ये भी बेचारा चक्रव्यूह में फंस के बर्बाद हो गया है, इसीलिए बिना माहौल के काम बनने वाला नहीं है। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बोलिए, संगति भली है साधु की,
और जो हरे कोटि अपराध, साधु की संगति कर लो जो करोड़ों करोड़ों पापों को हरण कर लेता है, जैसे गंगा दुनिया भर के तिनके को बहा ले जाती है, ऐसे ही साधु तुम्हारे दुनिया भर के पापों को बहाता है और सागर में जाकर छोड़ देता है। किसकी संगति करनी चाहिए? साधु की संगत भली है साधु की, जो हरत कोट अपराध। जीजा जी 8 साल से मुंह सूख गया जीजा जी करते करते, पर जीजा साले जी है बिल्कुल, साला ही है पूरा, एक भी काम भला नहीं करता। इतना बड़ा नाम दे रहे जीजा जी और जीजा जी पी के टुल्ल होके जीजी को कूट रहा है, पीट रहा है जीजा जी, फिर भी जीजा जी, रोज बहन पिट रही है तो भी जीजा जी। अरे साले को नाली में डाल के साला बना दे आएगा जीजा जी। दुर्जन की संगत बुरी और भलो साई को त्रास, जीजा जी हो या साला जी हो, पापा जी हो या मम्मी जी हो, अगर वो दुष्ट हैं तो एक मिनट में छोड़ के अलग हो जाना चाहिए, कोई नहीं है। क्यों? यहां कोई नहीं अपना, हर चीज बेगानी है। क्या है अपना बोल दो भैया, अच्छा है तो सबका है और बुरा है तो सीधा नहीं है। आपके सबके घरों में यह चलता है, अच्छा है तो हमारा है, बुरा है तो किसी का नहीं। माँ खुद बोलती तू कहां से आ गया, कहां से आ गया। अच्छा मम्मी को पता नहीं वो कहां से आया है। दुर्जन की संगत बुरी, भलोसाई को त्रास। जो साधु है, जो सज्जन है, जो गुरु है, जो अच्छा है, जो तुम्हारा अच्छा करना चाहता है, वो तुम्हें कूटे, पीटे, मारे, त्रास करे, गाली देवे, चिढ़ावे, परेशान करे, पर उसकी उंगली छोड़ियो मत। और जो तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं हंसी से, मजाक से, फूली फूली, खुली खुली, चाहे जितना लाडला हो, प्यारा हो, फिर वो तुम्हारे काम का नहीं है, नहीं है। कई मम्मियां तो मुझे आके बताती हैं समाचार, क्या बताती हैं, गुरुजी अभी तो 2 साल का ही है पर मानता ही नहीं है, अभी तो 2 साल का है सुनता ही नहीं है, मन क्यों करता है, सबको मारता है घर में, सब फोड़ता है घर में, अभी 2 साल का है, कुछ कर दो गुरुजी। 2 साल पहले आ जाती तो कुछ कर देता, अब कुछ अपने वाला क्या कर देता, क्या कर देता 2 साल पहले प्रोसेस सिस्टम सिद्धांत बदल लेता, प्रकृति बदल लेता, माहौल बदल लेता। अरे तेरा और तेरे पति का दोनों का दिमाग सही कर देता, उनका खून सही कर देता और फिर अपने आप ये सब सही हो जाता। प्यारे भाइयों, घर बनवा कर दीवाल समझ में आवे के टेढ़ी हो गई तो बिना नुकसान के सीधी होने वाली नहीं। इसीलिए दीवाल बनाने से पहले ज्ञान ले लो हमसे, हर ईंट के ऊपर जो भी ईंट लगाए धागा पहले लगा के सूत लगा लो, फिर दीवाल पे ईंट लगाओ, बिना धागे के ईंट पे ईंट रख दी तो फिर सीधे का विश्वास नहीं है। क्या करेंगे, टेढ़ी हो गई, अब क्या करेंगे, तोड़ना पड़ेगा और तोड़ने में तो भैया 50% नुकसान है। इसीलिए पहले सब अच्छा कर लो। कैसे अच्छा करें? माहौल बना लो, माहौल। महारानी कयाधु ने माहौल बनाया, महारानी कयाधु ने माहौल बनाया। 11 बरस हो गई शादी को, क्या मजाल है कि पति ने छुआ हो पत्नी को। दूसरी दुनिया का कोई पति ऐसा है जो शादी होने के बाद पत्नी को बिना छुए मान जाए?
पर पत्नी इतनी वफादार है, पत्नी ने निश्चय कर लिया, व्रत ले लिया है कि जब तक मेरा पति भगवान का नाम नहीं लेगा तब तक मैं इसकी बच्चे की मां नहीं बनूंगी। आज हिरण्यकश्यप ने 108 बार नारायण कहा तो आज महारानी कयाधु ने अपने पेट में गर्भ धारण कर लिया। जैसे गर्भ धारण किया पति को छोड़ दिया क्योंकि अच्छा नहीं है पति, आज बड़ी मुश्किल से राम राम जपा है, कल ये नहीं जपेगा तो बच्चे पे असर पड़ेगा, चलो नारद मुनि के आश्रम में चली गई। बच्चा पेट उस समय पति ने नारायण बोला और जैसे ही बच्चा पेट में आया साधु के घर चली गई, नारायण के नारायण के नारायण के भक्त के घर चली गई। किसके घर? भक्त के घर। अभी क्या बताया? भक्त भक्ति भगवान गुरु चारों एक समान। भक्त के घर चले गए नारद जी के। नारद भक्त थे नारायण के। अगर मैं कहता हूं आप गर्भ से पहले या गर्भ लेके भक्त के घर भी चले जाएं तो भी आपकी नैया बाहर लग जाएगी, बुढ़ापे में घुटने पे तेल लगाने वाला पैदा हो जाएगा, नहीं तो मम्मी चली जाए इंद्रदेव आश्रम पे। करती रहती है बुढ़िया, सबके घुटने दुख रहे, कमर दुख रही है, फोन करके भी पूछने वाला नहीं है कि किधर दुख रहा है मम्मी, सब दूध पी गया छाती का इनका बेटा, सब दूध पी गया इनका, पूछने वाला नहीं है। जब दूध पिलाया तब संस्कार नहीं पिलाए इसलिए हाल हुआ है, दूध पिलाओ मत पिलाओ पर संस्कार पिला दो हाल होने वाला नहीं है, माहौल बनाना पड़ता है, बिना बने नहीं बनता है कुछ भी, बच्चों का दोष नहीं है। बिगड़ गया सब, लुलू लुलू से बिगड़ गया लुलू। हाँ चुप, मैं गारंटी ले रहा हूं जो भी माँ बाप अपने बच्चों को बोलते चुप वो कभी बिगड़ता नहीं है। अरे तुम्हारे बालक की तो चले क्या, यशोदा का लाला भी नहीं सुधरा, काहे से लुलू लुलू से। यशोदा मैया ने हजार बार कहा हे लाला सुधर जा, अब अच्छी बात नहीं है, बड़ी बदनामी हो रही है, तू क्या चाहता है बोल, लुगाई लाऊं, बहू लाऊं, भाभी लाऊं, हाथी लाऊं, घोड़ा लाऊं, सगाई करवाऊं, सब दिया लालच पर नहीं सुधरा, बिगड़ गया। कब सुधरा कन्हैया, कब सुधरा कृष्णा, कब सुधरा बताओ, कब सुधरा? तदा यज्जमन क्रियताम गोवर्धनैन योगिम। भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन भगवान की पूजा की उसके बाद भगवान कन्हैया गए, बिना पूजा के कोई सुधरता नहीं। लुल्लू लुल्लू से कैसे सुधरेगा भाई? ओम बोलो ओम बोलो ओम बोलो ओम बोलो विठल बोलो विठल बोलो। नहीं बे पप्पा 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 हो गए क्या? आपद हो गए पप्पा, अगर ये पप्पा है तो फिर वो कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। असली पप्पा परमात्मा। क्या बोलो बच्चे से, क्या बोलो? दूध पिलाइए, आंचल मुंह में डाल दीजिए और क्या होना चाहिए? बिठल बिठल मम्मी जब दूध पिलाते पिलाते गीत गाएगी बिठल बिठल के तो दूध में अपने आप ही बिठल चला जाएगा और छोरा की खोपड़ी में घुस जाएगा। पर दूध कहाँ पिला रही है? मम्मी कह रही है 1.5 महीने से अच्छे से खाना खाया नहीं है, बच्चा पैदा हुआ है जब से खाली ये बाजरे की दलिया खा रही, आटा खा रही, ये खा रही, वो खा रही, फालतू चीजें खा रही, इसलिए कुछ नहीं है। आज तो सासू माँ लहसुन की चटनी ठोक दो, ले
अब लहसुन की चटनी खा के दूध पिलाएगी तो फिर ये बच्चे का हाल क्या होगा वो बता। लहसुन खा के 24 घंटे तक बांस जाती नहीं है। अब दूध में बांस घुस गई छोरा की खोपड़ी में, अब बांस तुमने घुसाई है तो सुगंध की आशा करो मत, मत, मत। माहौल बनाओ। अब लास्ट और रह गया है, लास्ट क्या है? संगत भली है साधु की, ये लास्ट। एक घड़ी आधी घड़ी आधी की पल जाए, साधु की संगत तो इतनी महान बताई है। एक घड़ी आधी में भी उपल, एक पल आधा पल क्षण, आधा क्षण विलक्षण लक्षण। मैं कहता हूं अब क्या बताऊं, पलक झपकते भी परछाई पर जाए उतना भी हमारे लिए जिंदगी सहाकार है माया। सदगुरु की इतनी भी परछाई पड़ गई तो भी धन्य हो गए अपन तो है? और जिनको गुरु के साथ रहने को मिल रहा हो, खाने को मिल रहा हो, वो धन्य नहीं हो रहे। कारण क्या है? कारण यह है कि रबर की चप्पल पैरों में हो तो करंट आता तार का शरीर में नहीं, क्योंकि रबर की वजह से अर्थ मिलता नहीं। बुराइयों का कार्बन, आलस्य का कार्बन, कुविचार का कार्बन, दरिद्रता का कार्बन, कुकर्मों का कार्बन, स्वार्थ का कार्बन, लालच का कार्बन तुम्हारे जीवन रूपी तार पे आ गया है। गुरुजी रूपी तार तो क्लियर है पर भक्त रूपी तार का वायर खराब पड़ा हुआ है। लाओ तार लाओ। जिस तार पे कार्बन आ जाता है ना, ज्यादा नुकसान की बात नहीं है, घबराना नहीं। आगे से थोड़ा दांत से तोड़ के फेंक दो, नया निकाल लो, करंट झट से आ जाता है। इसीलिए अब गुरुजी की आज्ञा का पालन करो। बीत गई सो जाने दे, और अब शेष बची क्यों खोता है। और सफल है जग में जीवन उसका धर्म के बीज जो धर्म के बीज होता है। धर्म के बीज आती है प्रायश्चित के लिए। क्षमा, सॉरी गुरुजी, जो भी किया सॉरी कर दो, और कल के बाद भी नया शुरू करेंगे। तार निकाल के दांत से फेंक दो, रबर हटा दो, नया निकल जाएगा, झट से लाइट आ जाएगी। सॉरी बोलो भगवान से, क्षमा मांग लो, प्रार्थना कर लो। जो बचा है उसमें ही सब कुछ अच्छा हो सकता है। इतना सा बैंगन कट गया हो सड़ गया हो, काट के फेंक। जो बचा है उसे भोग में लाओ। उसमें ऐसा आ गया है, पूरे में वायरस हो गया है, समझ सोचो पूरे में वायरस निकालो। आज तक जो गल गया, जो सड़ गया, जो बेकार हो गया, जो बुराई हो गई, जो धोखा हो गया, गुरु की आज्ञा नहीं पाले, कर नहीं पाए नियम, सॉरी बोल दो भगवान को मन ही मन, और बस आगे के लिए समझ जाइए करंट पैदा कर देंगे भगवान। यही करते गुरु पूर्णम, इसीलिए तो होती है। परस्पर देवो भव, आप हमें प्रणाम करें, हम आपको प्रणाम करें। परस्पर अविश्यतम देवो, क्योंकि आप कम नहीं है भैया, भक्त भगवान बराबर है। यहाँ तो एक ही कुर्सी पर, जिस सोने की कुर्सी पर कृष्ण बैठे थे उसी सोने की कुर्सी पर सुधामा को बिठाया, क्योंकि बराबर है, वो भक्त है, वो भगवान है। ओ बीत गई सो जाने दे, ओ बीत गई सो जाने दे, अब शेष बची क्यों खोता है, अब शेष बची क्यों खोता है। और धर्म वो सफल है जग में जीवन उसका धर्म का बीज जो होता है।
देखिए, लकड़ी में एक दीमक आ जाए तो कभी भी इस भूल में मत रहना, एक ही है कुछ नहीं बिगाड़ेगी। वो एक दीमक एक रात में करोड़ों पैदा कर लेती है। जैसे एक दीमक से पूरी लकड़ी खराब हो जाती है, ऐसे एक बुराई जीवन में आ गई तो पूरा सोने जैसा जीवन तुम्हारा मिट्टी बन जाएगा। इसीलिए तंबाकू गुटखा बीड़ी सिगरेट को हाथ मत लगाइयो। ओ जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि। पीने कई सोचा ले शराबी थे, पहले आप डकैत थे, पहले आप अज्ञानी थे, पहले आपको कुछ नहीं आता था, धर्म गया, पहले आप क्या थे वो भूल जाओ। हम डकैत थे पर आज हम साधु हैं, इसकी खुशी मनाओ। क्यों? बिगड़ा हुआ जैसे बनता नहीं, मरा हुआ जैसे जिंदा नहीं होता, ऐसे बिगड़ा हुआ सही होने के चांस नहीं होते। पर आप डकैत होके भी साधु बन गए, आपसे महान कोई नहीं है। सफल है जग में जीवन उसका धर्म के बीज जो बोता है, सफल है जग में जीवन उसका धर्म के बीज जो बोता है, सफल है जग में जीवन उसका धर्म के बीज जो बोता है। बाजरा बो के देख लिया, मक्का बो के देख लिया, चावल बो के देख लिया, गेहूं बो के देख लिया, भाजी सब्जी बो के देख लिया, बच्चे बो के देख लिया, संसार सब बो के देख लिया, पर एक भी फसल अच्छी आई नहीं। इंद्रदेव जी के कहने से, गुरु जी के कहने से, एक बार धर्म बो के देख लो, देखो फसल कैसी आती है। हरे राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा बैठा है, छत्तीसगढ़ बैठा, हरियाणा बैठा, दिल्ली बैठा, राजस्थान बैठा, गुजरात बैठा, एमपी बैठा, महाराष्ट्र तो बैठा, कर्नाटक बैठा, पूरा भारत आ गया इस पांडाल में, इस स्थान में। काहे क्यों आ गया बताओ, क्यों आ गया? भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में कहते हैं, अर्जुन ये तो धर्म ततो धर्म, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिताम्।
कौरवों की संख्या कितनी थी? करोड़ों में। और पांडवों की संख्या? कारण, पांडवों ने कृष्ण रूपी बीज को बो दिया है। कृष्ण कौन है? कृष्ण है धर्म, जो कभी मिटता जो कभी नहीं मिटता उसको गले से लगाओ, जो मिटने वाला है उसको गले से लगाकर कभी विजय होने वाली नहीं। दादा चले गए, बाबा चले गए, पुरखा चले गए, तुम चले जाओगे, पर भगवान कभी मरता नहीं। भगवान को तदलक्षणम तद्धर्मः। हम कौन हैं? हम सब कौन हैं? तुम्हारा असली नाम है धर्मात्मा। क्या नाम है तुम्हारा? धर्मात्मा। धर्मात्मा नाम है तुम्हारा। और तुम कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हो बताओ ना गुरुजी। हम तो धर्मात्मा हैं, धर्म कर रहे हैं। कितना धर्म कर लिया है हमें भी दिखा दो भाई। धर्म तो छुपता नहीं है, धर्म दिखाना नहीं पड़ता। अच्छा बताओ, सूर्य को कुछ दिखाना पड़ता है वो तो खुद ही दिख जाता, धरती को कुछ दिखाना पड़ता है वो तो खुद ही दिख रही है, हवा को कुछ दिखाना पड़ता है वो तो खुद ही दिख रहे, चंद्रमा को कुछ दिखाना पड़ता है खुद ही दिख रहा, सागर को कुछ दिखाना पड़ता है वो तो खुद ही दिख रहा। पर तुम्हें तो दिखाना पड़ेगा क्योंकि तुम धर्मात्मा हो नहीं। जिनके पास धर्म की कमी है उनको दिखाना पड़ता है। कैसे दिखाना पड़ता है बताओ भाई, कैसे दिखाना पड़ता है? कोई तो धर्मात्मा बनने के लिए तिलक लगाता है, कोई धर्मात्मा बनने के लिए बाल बढ़ाता है, कोई धर्मात्मा बनने के लिए कपड़े बदलता है। ये सब धर्मात्मा बनने के ढोंग है। ये क्या है? हाँ। पर भैया इनसे धर्मात्मा का कोई साइंस किचन मिलने वाला नहीं है। मेरे जैसे कपड़े वाले बाबा ओम बम बम भोले ले, कपड़े तो मेरे जैसे ही, बाल मुझसे भी बड़े बड़े हैं। ईंट के भट्टे से ज्यादा धुआं उड़ रहा है और धर्मात्मा है, कैसे लाइन बनेगी तुम्हारी, कैसे गाड़ी चलेगी? हैं? कौन से पंडित हैं तुम? हम तो द्विवेदी हैं, हम तो कुलकर्णी हैं, हम तो जोशी हैं, हम तो ढिकाने हैं। और इतना बड़ा गुटका रखा गाल में, ओहो कैसे काम चलेगा? खुद की नैया खुद डुबो रहे हो और बाद में घर वाले भगवान को दोष लगाएंगे, ए भगवान तुमने जवान बच्चे को ऐसे कैसे कर दिया। अरे खुद कुल्हाड़ी चला रहे हो पैरों पर, खुद कुल्हाड़ी चला रहे हो, को दूसरा क्या करेगा? अच्छा सुनो, जहर खा करके